गाइस 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 ऐसी क्वेरी लेकर आया हूँ ना जिसे देखकर अगर आप लोग दांतों तले उंगली ना दबा लो ना तो मुझे कह देना, क्योंकि आई नो क्वेरी आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी लेकिन कुछ यूनिक ऐसी क्वेरीज होती है ना जो आप लोग कभी कभी देखते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही क्वेरी लेकर आया हूँ और वो भी एक मस्टिफ डॉग ब्रीड में जिसका नाम है बुल्ली कुत्ता। और भाई जब आप लोग इन पपीज के फादर को देखोगे ना तो आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जब वीडियोस में आप लोगों को इतने लार्ज साइज के देख सकते हैं तो भाई रियल लाइफ में कितने बड़े दिखेंगे। क्योंकि ये चीज तो आप लोग जानते हैं कि फोटो वीडियोस में देखना और डायरेक्ट देखने में बहुत फर्क होता है। तो गाइस अगर आप लोगों को बहुत ही हाई क्वालिटी के बुल्ली कुत्ता पपीज चाहिए ना तो पपीज आप लोगों के सामने हैं जिनमें आप लोगों को अलग अलग कलर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, ब्रिंडल एंड फाउन कलर, और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। तो गाइस बुल्ली कुत्ता लार्ज साइज के होने के साथ साथ काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं और फैमिलीज के लिए काफी अच्छे प्रोटेक्टिव डॉग्स भी। वैसे भले ये डॉग ब्रीड आप लोगों को दिखने में काफी खतरनाक लगे बट ये काफी अच्छे टेम्परामेंट के होते हैं, ये बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। वैसे बुल्ली कुत्ता काफी अच्छे फाइटर डॉग्स भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी जगह पर इन डॉग्स से फाइट भी कराते हैं, लेकिन भाई एक ट्रू डॉग लवर ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तो गाइस अगर इस ब्रीड को लेने जा रहे हो ना तो एक दो बातों का आप लोग ध्यान जरूर रखें। एक तो इन्हें रखने के लिए आप लोगों के पास बड़ा सा घर होना चाहिए, क्योंकि भाई छोटे घरों में आप और ये ब्रीड दोनों ही परेशान हो जाओगे। सेकंड चीज, आप लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि ग्रोविंग पीरियड में इनकी जो डाइट होती है ना वो दूसरी डॉग ब्रीड के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि एक मस्टिफ डॉग ब्रीड है। तो ये चीजें भी आप लोगों को माइंड में रख के चलनी होगी। बाकी ये बहुत ही लॉयल, पावरफुल एंड फियरलेस डॉग ब्रीड है जो किसी से नहीं डरते, और इसी वजह से इन्हें बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग्स माना जाता है। तो पपीज जो हैं ये होम ब्रीडिंग के हैं, जो कि मदर को तो आप लोग लाइव देख ही रहे हो पपीज के साथ में। तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तो डायरेक्ट मदर के पास से पपीज उठा सकते हो। और एक चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इन पपीज को जब आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो शायद आप लोगों को दूसरे पपीज की क्वालिटी बिल्कुल पसंद ना आए। तो गाइस पपीज की जो मदर है इसका नाम गोल्डी है, जो कि अमरवीर वाला टाइगर की डॉटर है, और इसकी जो हाइट है वो है 31+ इंचेस। तो गाइस क्वालिटी तो आप लोग इन पपीज के फादर की देखे, जो कि फाड़ू क्वालिटी है। भाई आप लोग देख ही रहे हैं कितने लार्ज साइज के हैं। अगर इसकी ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो ये है ओगी, जो कि सन ऑफ चांदी लाइन से हैं और ये इंपोर्ट लाइन से हैं। और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो भाई इसकी जो हाइट है वो है 36 इंचेस। तो भाई पेरेंट्स की क्वालिटी देखने के बाद आई एम श्योर आप लोग काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि पपीज का प्राइस क्या आने वाला है। चलिए वो भी बता देता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पपीज जो हैं ये 37 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरी सिटी यानी रोहतक हरियाणा से। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को इन पपीज पर डिलीवरी भी मिल जाएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या फिर अगर आप लोग चाहें तो ओनर को विजिट करके पपीज को अच्छे से देखभाल करके ही परचेज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो दोस्तों फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज अल्टीमेट क्वालिटी में है और उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है, भाई मेल की 25,000 पीस 25,000 रुपए एंड फीमेल की के जस्ट 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं कि प्राइस फिक्स है, प्राइस में आप लोग बारगेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से बारगेनिंग करते हो। बाकी आशा करता हूँ पपीज की क्वालिटी और ये वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।